Chill, relax. Relax, yeah. Relax. Again. Relax. Again. औपचारिक टॉस हो चुका है और इंग्लैंड की इस टीम में खास तौर पे हमारी सबकी नजर होनी चाहिए निक बांडुराक पर। निक बांडुराक नंबर 23 स्टार्टिंग 11 में नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मेन इन ब्लू, वेल श्रीजेश ने पिछले मैच में क्लीन शीट रखी थी, अभिषेक स्कोर किया था, मनप्रीत सिंह 301वां मैच आज खेल रहे हैं, हरमन ने हैट्रिक लगाई थी, अच्छी शुरुआत हुई है। ये मुकाबला पूल बी का सबसे कठिन मुकाबला है और संभवतः आज के मुकाबले का परिणाम ये तय करेगा कि कौन सी टीम पूल को टॉप करेगी। शुरुआत भारत ने की है, मैं हूं सुनील तनेजा और मेरे साथ हैं सिद्धार्थ पांडे। शुक्रिया सुनील, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। एक हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेशर और एक हाई स्कोरिंग गेम की उम्मीद की जा रही है। और बहुत बेहतरीन पास है, ललित उपाध्याय क्या पैर ढूंढने में कामयाब, पहला पेनल्टी कॉर्नर भारत के लिए। वन ऑन वन सिचुएशन जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, साफ दर्शाते हुए ललित उपाध्याय क्यों भारत के फॉरवर्ड्स इतने खतरनाक माने जाते हैं वन ऑन वन सिचुएशंस में। देखिए किस तरीके से पीछे खींच लिया बॉल ललित उपाध्याय ने, पूरे तरीके से डिस्टेबलाइज कर दिया जैक वॉलर को। कोई चांस नहीं थे इंग्लैंड के कप्तान जैक वॉलर को कि वो डिफेंड कर पाए। हरमन की कोशिश है, बचाव हुआ है पोस्ट पे, उसके बाद ललित उपाध्याय ने मोर्चा मारा, 3 मिनट के अंदर भारत ने खाता खोला है। ये चाहते हैं आप आपके फॉरवर्ड से सतर्क रहे, चौकस रहे और रीबाउंड जब उन्हें मिले तो उस मौके को फिनिश करें। इंजेक्शन बेहतर हो सकती थी, थोड़ी सी डीप हो गई, मगर फिर भी वो पावर जनरेट कर पाए हरमनप्रीत सिंह, जिसके कारण रीबाउंड आया और जब रीबाउंड मिला ललित उपाध्याय को मिला और उन्होंने कोई गलती नहीं की, 1-0 भारत के पक्ष में। जब सेविंग्स कम हो और सपने बड़े तो चुनो मनी व्यू पर्सनल लोन, डाउनलोड द मनी व्यू ऐप। स्कोर लाइन सर्कल एंट्री है इंग्लैंड के लिए, शॉट लेने का मौका नहीं मिला और राहत की सांस भारत के लिए। दबाव में अब भारतीय हॉकी टीम, अच्छा फॉरवर्ड रन सॉर्सबी का। हार्दिक सिंह, मनदीप आगे अब ललित की जगह पर खेल रहे हैं, बेहतरीन इंटरसेप्शन लेकिन बॉल छिटकी है। नीलकांता, मनदीप टॉप ऑफ द डी, क्या कोशिश करेंगे, टोमोहॉक लगा, लीड डबल हुई है, दूसरा गोल भारत के लिए पहले ही क्वार्टर में। घाना के खिलाफ स्कोर किया मनदीप ने और इंग्लैंड के खिलाफ भी स्कोर किया मनदीप ने। सुनील एक बात गौरतलब है कि अक्सर टोमोहॉक जब लगता है तो हो सकता है 70-80% ठीक लगते हैं, मगर 20% जो है थोड़ा सा बैकस्टिक का योगदान होता है उसके पावर में। डेविड, देयर इज नो क्लियर रीजन टू चेंज योर डिसीजन, गोल स्टैंड्स एंड दे लूज द रेफरल। गोल मिलेगा प्रभु, लीड दोगुनी हो गई है और मौका परस्त हॉकी भारत ने खेली है, प्रेशर इंग्लैंड बना रहा था, मिडफील्ड में गलतियां भारत से हो रही थी, लेकिन एक मौका मिला तो मनदीप ने फट्टा खड़का दिया। जी हाँ बिल्कुल, बाकी इनके साथी खिलाड़ी भी ही इनसे खुश नहीं होंगे, अटैक इंग्लैंड का और अपने ही खिलाड़ी के लिए डेंजरस बॉल थी ये। जब 2018 कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल मैच हुआ था भारत और इंग्लैंड का, इंग्लैंड 2-1 से जीता था और भारत का इकलौता गोल वरुण कुमार ने किया था। मनदीप ने अच्छे तरीके से होल्ड किया था उस एरियल को और पास भी निकाला था, अमित रोहिदास ने किसी तरीके से पोजीशन रखा है। अभिषेक अब एक पेनिट्रेटिंग रन के साथ विकल्प की तलाश में, विकल्प मिल चुका है मनदीप के सामने, 3-4 खिलाड़ी, माइनस किया, गोल हासिल किया है, क्या बात है।
कोई रिव्यू नहीं लिया जा रहा है इस बार, तो सुनिश्चित कर सकते हैं आपको कि तीसरा गोल भारत के लिए हो चुका है। शायद इंग्लैंड के प्लेयर का आखिरी टच लगा है, जिसका मतलब है कि मनदीप को ये गोल क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा गोल मनदीप सिंह के लिए आ चुका है और भारत के लिए आ चुका है तीसरा गोल। दबाव इंग्लैंड भी बना रहा है क्योंकि जानते हैं तीन गोल की लीड बहुत ज्यादा है। सैम वॉर्ड, दाखिला मिल गया है डी में, लेकिन बॉल कंट्रोल नहीं कर पाए। यहां एक शानदार अवसर था। जब वक्त बीता चले जाएगा, प्रेशर बढ़ते चले जाएगा और वो और नंबर्स कमिट करेंगे अटैक में, तो पीछे गैप्स मिलेंगे भारतीय फॉरवर्ड्स को। लियाम एंसल का बेहतरीन पास है, मांग है पेनल्टी कॉर्नर की और सैम वॉर्ड ने अनुभव दिखाया, टीम को एक मौका दिलवाया गोल करने का। फिल रोपर फर्स्ट बैटरी पर हैं, उन्हीं की कोशिश है और भारतीय स्टिक से लग के बॉल गई है, बचा लिया है पेनल्टी कॉर्नर। हैंड्स इंस्ट्रक्शन फॉलोस इंस्ट्रक्शन है और बॉल मिली है इंग्लैंड को, करारा प्रहार है और इंग्लैंड ने पहला गोल हासिल कर लिया है। निक बेंडुरैक सेकंड पोस्ट पे अनमार्क मौजूद थे। सही जगह मौजूद थे और दूसरा फील्ड गोल। ये क्या वरुण की स्टिक को बॉल? जी हाँ, तो ये गोल जो है बेंडुरैक को नहीं मिलेगा, लियाम एंसल को मिलेगा। दर्शकों का शोर सुनिए, भारतीय टीम कोशिश कर रही है ट्रांजिशन में वापस जाने की और कार्ड नंबर तीन निकल रहा है। वरुण दूसरी बार इस मैच में टेक्निकल बेंच के पास जाकर बैठेंगे। पेनल्टी कॉर्नर है, 23 मीटर के अंदर अगर डेलिबरेट फाउल है। उल्टा या तो कार्ड भी मिल सकता है राय स्मिथ को। 23 मीटर लाइन के अंदर जानबूझ के किया गया फाउल सीधा सीधा पेनल्टी कॉर्नर दिलवाता है। अभिषेक ने बहुत बढ़िया रन बनाया था, 23 मीटर लाइन के बाद वो गिरे हैं। अंपायर के अनुसार राय स्मिथ ने जानबूझ के किया। क्या तीन गोल्स की लीड दोबारा मिलेगी भारत को? हरमनप्रीत सिंह ने तीन गोल्स की लीड फिर से दिलवा दी है। हां जी, शोर सुनाइए, उत्साह बढ़ाइए भारतीय खिलाड़ियों का। 4-1 हो चुकी है स्कोर लाइन इस मुकाबले में। हरमनप्रीत सिंह, जब भी भारतीय टीम मुश्किल में होती है, फंसी हुई होती है, मामला गड़बड़ाया होता है, इस प्लेयर के कंधों पर आप जिम्मेदारी सौंपे, ही विल कम गुड। हरमनप्रीत सिंह हमेशा की तरह भारत को ब्रीदिंग स्पेस दिलाते हुए उस चौथे गोल के साथ क्लास ड्रैग फ्लिक, क्लास फिनिश। एक या दो इंच का फर्क था पोस्टमैन और लेफ्ट हैंड कॉर्नर के बीच, हरमनप्रीत सिंह ने बॉल को स्क्वीज करके भारत को दिला दिया है चौथा गोल। अभी भी वरुण बाहर हैं, येलो अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। लीजिए, इंग्लैंड ने तुरंत वापसी भी कर ली है। बेंडुरैक अब स्कोर शीट पे आएंगे। क्या कमाल का क्वार्टर ये शुरू हुआ है, 1.5 मिनट के अंदर दो गोल। शायद कहना है कि कोई टच आया नहीं अंत में निकोलस बेंडुरैक द्वारा। रीप्ले पर देखते हैं, बिल्कुल टच था, बिल्कुल गोल जायज है। स्लैप शॉट तगड़े आते हैं, एक पल के लिए लगा कि बॉल निकल जाएगी, पर अच्छा काम किया इंग्लिश गोलकीपर ऑली पेन ने। जो येलो कार्ड वरुण को पिछले क्वार्टर में मिला था वो 10 मिनट का येलो कार्ड था, क्योंकि 5 मिनट तो इसी क्वार्टर में निकल गए, 2.5 मिनट पिछले क्वार्टर में निकले थे। ओ, एक और गोल, इंग्लैंड ऑन फायर। फिल रोपर मेरे लिए कॉमनवेल्थ गेम्स का अब तक का सबसे अच्छा गोल, सबसे अच्छा इंडिविजुअल गोल अगर कोई है तो वो ये है। जबरदस्त इंडिविजुअल गोल फिल रोपर के द्वारा आता हुआ। एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला, 7 गोल थ्रिलर आ चुका है, देख चुके हैं हम।
Just hold it. So we've both seen the stick up around the head. We haven't seen where the contact is. So it's going to be a 10-minute yellow card. Okay? Gurjant pura match nahi khel payenge. Varun abhi bhi bahar hain. But 9 khiladiyon se filhal Bharatiya team khelegi. Aur Varun ka suspension संभवतः एक आध मिनट में खत्म हो जाएगा. नील कांता खुश नहीं थे उस फैसले से. और अब परीक्षा है भारत के उसी डिफेंसिव स्ट्रक्चर की. बेहतरीन पासिंग इंग्लैंड की तरफ से. 3-2 का मामला है और 4-4 की बराबरी है. निक बैंडुरैक एक और गोल. क्या धमाकेदार वापसी इंग्लैंड की इस मुकाबले में. 3-0 से पिछड़ रही थी इंग्लैंड और अब 4-4 की बराबरी. कहा था हमने कि जब भारत अटैक पर जाता है सुनील तो ध्यान ये देना चाहिए कि डिफेंस में आपके पास काफी प्लेयर्स मौजूद हो. चलिए बॉल उठी है. पोजेशन भारत की है और जबरदस्त वापसी इंग्लैंड की इस मैच में. हमेशा वो याद रखेंगे. 3 कार्ड भारतीय टीम भी भूलना नहीं चाहेगी. जहां